हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजेस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सीटेट 2020 के लिए CDP की क्लास, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। और प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन की दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 52 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये जो हमारी सीरीज है वो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की है। तो डेली बेसिस पे देखते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करते रहिए। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, तो कौन सी संरचना माना जाता है? प्राथमिक या द्वितीयक या गतिक या स्थायिक? तो अनुवांशिकता जो होती है वो हमारी प्राथमिक सामाजिक संरचना होती है। क्यों होती है ये, इसका आंसर भी सुनिए। क्योंकि अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसके मम्मी भी क्या बोलें, अब पेंटर है, माँ पापा भी पेंटर हैं, तो उसका जो लक्षण आएगा दोनों का एक बच्चे में, वो भी अगर उनको इस बच्चे को अच्छा वातावरण मिला है अपने मम्मी पापा के साथ रहने का और उसी माहौल में ढलने का, तो निश्चित ही वो बच्चा है वो पेंटर ही बनेगा। तो मतलब प्राथमिकता जो हुई वो किसकी हुई? अनुवांशिकता की हुई। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो इस क्वेश्चन में ही एक आंसर है, एक आंसर क्या, एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। कोहलबर्ग के कौन से सिद्धांत? नैतिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आशा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो जो हमारे दूसरी अवस्था जो होती है, ठीक है, नैतिक विकास की जो दूसरी अवस्था होती है, उसमें बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो समझ सके कि उसने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। मतलब उसमें जो होता है खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्वेश्चंस पे, अपनी अक्ल पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी अवस्था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो ये है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, या विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? मतलब विशेष अवधि के दौरान विकास जो होता है प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, कि यह विकास निम्नलिखित में किस नियम को अनुसरित कर रहा है ये बताना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये हो जाएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्यों हो जाएगा आपको बताते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो होता है इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। मतलब समायोजन के लिए तो वो विराम करता है लेकिन क्या होता है, वो विकास जो होता है प्रगति भी करता है, प्रगति भी करता है लेकिन समायोजन के लिए विराम भी करता है। मतलब वो समान काम भी कर रहा है लेकिन उसके प्रतिमान में, मतलब उसका उल्टा भी कर रहा है। ठीक है, मतलब विराम भी कर रहा है, चालू भी है काम भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास, फिर से कोहलबर्ग का ही क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो बताना है कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत जो है वो नहीं दिया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रित निर्णय, फिर है परस्पर एक रूपता अभिमुखता, तीसरा है व्यक्तिकता या विनिमय अभिमुखता, चौथा है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। देखो, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता तो दिया है, व्यक्तित्व विनिमय अभिमुखता तो नहीं दिया है, परस्पर एक रूपता अभिमुखता दिया है, और फिर आत्म केंद्रित निर्णय ये भी दिया है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिक एवं विनिमय अभिमुखता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हर वीडियो में आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है।
कौन सी अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था की कहा जा रहा है, तो मैंने कई बार आपको समझाया है, ठीक है। ये किसको कहा जाता है, किशोर अवस्था को। आप और डिटेल से समझना है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, तो शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है या बालक की मांग रुचि अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है या शिक्षक के स्वयं महत्व को ध्यान में रखा जाता है या पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है ना, तो पाठ्यक्रम को महत्व नहीं देना चाहिए, बालक को महत्व देना चाहिए, शिक्षक को महत्व भी नहीं देना चाहिए। बालक की मांग रुचि अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, तो यही ऑप्शन है जिसमें वो बालक को महत्व दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा, बालक की मांग रुचि अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो फ्रायड की जो अवस्थाएं हैं उनके अंदर कौन सी जो आयु है जिसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है, पहली है मुखावस्था, दूसरी है अव्यक्तावस्था, तीसरी है गुदावस्था, चौथी है शैशवावस्था। जो गुदावस्था होती है उसको ही प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोला है, किसने, फ्रायड ने। फ्रायड ने क्या बोला है, गुदावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कोहल वर्ग का है। ये कहते हैं कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, ठीक है, तो वो मैं बता भी चुकी हूँ, नैतिक दुविधा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन, नैतिक दुविधा कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है, तो किसके अनुसार होता है ये हमको बताना है। वातावरण और जो वंशानुक्रम है उस पर जो व्यक्ति उसकी वृद्धि का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन हमारे ये आ गए हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, पहला ऑप्शन है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखो एक चीज़ तो नहीं प्रभावित करती है, दोनों चीज़ प्रभावित करती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है अच्छे से, ठीक है। अब हमको बताना है कि प्लस करके प्रभावित करती हैं मल्टीप्लाई करके प्रभावित करती हैं, तो प्लस करके प्रभावित नहीं करती हैं वो हमारे वंशानुक्रम क्रॉस वातावरण होता है, यही जो होता है व्यक्ति को प्रभावित करता है, मतलब वंशानुक्रम क्रॉस वातावरण जो होता है व्यक्ति को प्रभावित करता है, कभी प्लस करके नहीं आ जाना, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है, ठीक है, किसके द्वारा लक्षित नहीं होती है ये हमको बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विचारों की विलोमिता, दूसरा है मानसिक द्वंद, तीसरा है संरक्षण, चौथा है क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रतियों का प्रयोग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास में उनमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, मतलब जो दूसरी अवस्था है उसमें क्या नहीं लक्षित होता है, विचारों की विलोमिता, ठीक है, मानसिक द्वंद, संरक्षण। देखो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है इस अवस्था में तो उसे संरक्षण कोई ज़रूरी नहीं है, उसे संरक्षण चाहिए, ठीक है, और मानसिक द्वंद तो होते ही है उनमें, विचारों की विलोमिता भी होती है और क्रमबद्धता पूर्ण अंश के प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है, तो हमारा आंसर संरक्षण हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो विकास के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है वो हमें बताना है। नहीं का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर ही हमको दिखता नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास अंतः क्रिया का फल है, तो हाँ फल तो है। फिर है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, हाँ अनुगामी है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हाँ व्यक्तिगत प्रक्रिया ही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अक्षर होता है, तो विकास जो है वो ये हमारा विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट जाता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं जाता है,
तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। विकार जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर अक्सर होता है, तो ये बात गलत है, सत्य नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन सी? मतलब बालक जो होता है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, मतलब उसमें मूर्त अनुभव हैं, तो वो कौन सी अवस्था है? तो मूर्त वाली कौन सी अवस्था मैंने बताई थी? 7 से 12, ठीक है। कौन सी मैंने बताई थी? 7 से 12 वर्ष वाली, ये हमारी हो गई मूर्त अवस्था, ठीक है। तो मूर्त अवस्था वाली तीसरी अवस्था है, ठीक है। पहली संज्ञान, प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उनकी 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी वो इंद्रियगामक थी, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक, 4 थी ना, तो तीसरी अवस्था हो गई। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मतलब कि मानव विकास से किन के योगदान का परिणाम है? पहला ऑप्शन है अभिभावक और अध्यापक का, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा है वंश क्रम और वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव का जो है वातावरण और वंश क्रम इन्हीं पे ही निर्भर करती है। देखो तो वातावरण में सामाजिक भी आ गया, संस्कृत भी आ गया, ये तो सिर्फ वातावरण हो गया। अभिभावक और अध्यापक, ठीक है, ये हमारे एक अध्यापक हमारा वातावरण में होता है, पर यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है यही है वंश क्रम वातावरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? तो कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलीकरण, ये इनमें से कोई नहीं। तो प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व तो कौन सा नहीं है? तो सामाजिक संचरण तो है, अनुभव भी है, संतुलीकरण भी है, मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, इसको देख लीजिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। फ्रायड, पियाजे और अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, ठीक है, पियाजे ने क्या कहा है ये हमको बताना है। कहा कि विकास की अवस्थाएँ वातावरण से निर्धारित होती हैं, या कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या इन्होंने ये कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमको तो पता ही है कि प्याजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं ना, तो संज्ञानात्मक वर्ड इसमें आ रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिन इच्छाओं, पहले तो ये सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा होता है? मतलब जो इच्छाएं जो होती हैं वो इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप कहें भाई हम तो सलमान खान से मिलना चाहते हैं, तो इच्छा आसानी से नहीं पूरी हो सकती, पूरी हो सकती है पर आसानी से नहीं पूरी हो सकती है, तो कहाँ जाएगी वो? तो ये इच्छा जो होती है हमारे परम अहम में जाएगी। कौन सा भंडार गृह है इसका? परम अहम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, ठीक है, क्या करता है? रक्षा तंत्र जो होता है बहुत सहायता करता है। किस में सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हिंसा से निपटने में। जब हिंसा होगी तभी तो कोई रक्षा तंत्र होगा हमारी सहायता करेगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, या लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए? तो जो हमारा आंसर है बेस्ट ऑप्शन है वो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ये होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति करे, या ईमानदारी करे, सहभागिता करे, या आज्ञाकारिता करे? तो अच्छा विद्यार्थी वही होगा जो आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारिता करे, ठीक है। उत्तरदायित्व की अनुभूति भी होनी चाहिए, पर ज़्यादा बेस्ट आज्ञाकारिता है,
आज्ञा कैरी, तभी तो अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें यही तो कहते हैं, लिखते हैं कि लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य। तुम्हारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों में श्रम की जो स्फूर्ति होती है उसका विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, या शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो बात तो सारी सही है, पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को श्रम करने के लिए अवसर देना पड़ेगा, और जो हमारी शिक्षा नीति है वो यही कहते हैं कि करके सीखना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसके लिए, एक विद्यार्थी के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको जूम ही कर लेते हैं, वो ये है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है क्या है। तो बाल विकास की जो परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है वो हमको बताना है। पहला है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। क्या मानवीय जो सामर्थ्य होते हैं, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, या मानव जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरों सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, तो पहले चीज़ तो आपको ये बता दें कि हमारे आंसर जो होते हैं अक्सर वही सही होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से तो आंसर ये सही हो गया। और लेकिन इसमें जो लिखी हुई बातें हैं, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सामर्थ्य का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना, तो ये बात सही है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। मतलब प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो आवश्यक है, क्यों आवश्यक है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, ठीक है, और दूसरा है, परिणाम परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये जो बात है वो सही है, क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक जो होता है उसकी सहायता करता है। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, मतलब मानव के जो मूल्य हैं जो प्रकृति में हर जगह हैं, ठीक है, उसके विकास का अर्थ क्या है। पहला है मतारोपण, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अंगीकरण या अभिव्यक्ति। ठीक, मानव जो मूल्य होते हैं वो हर जगह होते हैं, और उनके विकास का अर्थ है, मतलब मानव मूल्य तभी होंगे जो एक मानव अपनी अभिव्यक्ति दिखाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, चरित्र का विकास होता है तो चरित्र का विकास कैसे होता है ये हमको बताना है। पहला है इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, तीसरा है नैतिकता द्वारा, या चौथा है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो हमको ये बताना है, तो चरित्र का विकास कैसे होता है ये हमको बताना है। तो ये जो चरित्र का विकास है ये बताना है, तो इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव व्यवहार भी द्वारा है, नैतिकता द्वारा भी होता है, तो आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ये सही हो जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोफेसर जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु जो होती है उस वर्ग के जो बालक होते हैं उनका मानसिक विकास जो होता है 4 अवस्थाओं में होता है। इनमें से 7 से जो 14 वर्ष की आयु है किस अवस्था को कहा गया है, 7 से 14 वर्ष की जो आयु है। ठीक है, इन्होंने मतलब इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया है, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो हैं उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से 14 वर्ष तक होती हैं, कहाँ तक होती हैं, 0 से 14 वर्ष तक होती हैं, और 7 से 14 वर्ष की हमें बतानी है। तो पहला है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, दूसरी है पूर्व संस्कार अवस्था, तीसरी है मूर्त, और चौथी है औपचारिक। ठीक है, तो जो हमारा आंसर जो हो जाएगा 7 से 14 वर्ष की इन्होंने बोला है, तो आंसर हो जाएगा मूर्त संस्कार अवस्था। क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संस्कार अवस्था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है विद्या, क्या है विद्यात्मक विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वाला वो हो जाएगा विद्यात्मक विज्ञान। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा विद्यात्मक विज्ञान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 3 क्लासेस में हमारे 78 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे कई सारी क्लासेज हो रही हैं, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए शेयर करने में, लाइक करने और सब्सक्राइब करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।